हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीबीपी कोस्टल ड्राइवर की फाइनल कट ऑफ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, हम इस वीडियो में आईटीबीपी कोस्टेबल की फाइनल कट ऑफ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। मैं जहाँ देखूँ मुझे वही कॉमेंट्स मिलता है कि सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो गाइज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, ठीक है? तो गाइज आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हो उस कट ऑफ के बारे में जानना तो आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट में ना लेते हो, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कोस्टल ड्राइवर फाइनल कट ऑफ है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपकी 134, इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज थी 134 पोस्ट है, ठीक है? अगर हम पोस्ट को देखेंगे इसकी पोस्ट इसमें आपकी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है वैसे, आप देख लीजिएगा, ठीक है? और इसमें कह रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, अगर वैकेंसी आपकी बढ़ती है गाइज मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? उसकी टेंशन ना लें आप। ओके तो नीचे आप देख लीजिए, यहाँ फ्रेंड्स देखिए 134, यहाँ पे अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें हम 10 में तो आपका टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं आपके 1340, मतलब 1340 पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की देख रहे हो, किसी भी मतलब फील्ड में देखोगे आप, तो 10 गुना बच्चे पास करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यार देखिए मैं आपके लिए जो बात बोलता हूँ भाई सही बोलता हूँ, मैं झूठ कभी कुछ नहीं कहता, ठीक है भाई? क्योंकि यार आपको बुरा लगे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भाई जो सच है सच है, ठीक है? इसमें आप देखिए यहाँ पे 134 मल्टीपल हम 10 की इसमें करते हैं तो आपके टोटल हो जाते हैं 1340 पास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो इसमें कट ऑफ की बात करूँ मैं, आपकी जो इसकी रिटर्न की कट ऑफ गई है आपकी गाइज, यहाँ पे देखिए जनरल और एक्सर्विसमैन के लिए, एक्सर्विसमैन गाइज वो होते हैं जो फौजी, हमारे फौजी भाई होते हैं, या फिर जिसका भी मतलब इसका अकाउंट होता है, क्या कहते हैं, एक्सर्विसमैन का खाता होता है अलग से, तो वो जो स्टूडेंट है उनके 35% वाले इसमें पास कर दिए गए हैं। 35% मतलब 35 मार्क्स वाले इसमें पास हैं, जनरल और एक्सर्विसमैन वाले जो फौजी भाई हैं हमारे। ओके इसमें अगर आपकी बात करूं मैं ओबीसी की, ओबीसी एससी और एसटी की बात करूं, 33% मतलब 33 मार्क्स वाले इसमें रिटर्न में पास हुए थे, आप जानते इस बात को। और ये ओनली 1340 बच्चे नहीं है भाई, ठीक है? बहुत ज्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, लेकिन वैकेंसीज कम है। तो उसको देखते हुए मैंने कट ऑफ तैयार किया आपके लिए। मुझे नहीं पता ये कट ऑफ आपको कैसी लगेगी, लेकिन अपना रिव्यू आप जरूर दें, मुझे कमेंट करें, ठीक है? आपको कट ऑफ कैसी लगेगी, ठीक है, मुझे बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, ठीक है फ्रेंड्स? अगर मैं जनरल की बात करूँ, अगर आपके जनरल में 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, या फिर 55 है, या फिर 54 भी हैं, तो गाइज आपका चांस है इसमें, ठीक है? आप समझे कि आपका चांस इसमें हो सकता है। देखिए गाइज पूरा आपको कोई नहीं बताया कि नहीं बिल्कुल यही कट ऑफ है, लेकिन आपसे एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वरना फाइनली कट ऑफ आपके यही रहने वाले गाइज, क्योंकि इसमें अभी आपका जो टेस्ट होना है स्किल टेस्ट में काफी बच्चे बाहर हो जाएंगे। ओके और मैंने अभी आपके कॉमेंट्स देखे, मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स में कई दिन से पढ़ रहा हूँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए कट ऑफ तैयार की है। आपके ज्यादा मार्क्स मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसके 70% या फिर 70+ मार्क्स थे या फिर 80+ थे, मैंने एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा। तो आपके अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है? तो नीचे देखिए अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, अगर जो भी ओबीसी से स्टूडेंट है, जो भी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी 52 से 57 के बीच में रहने की आशंका पूरी जताई जा रही है। अगर आपके मार्क्स 52 या फिर 51 भी हो तो भी आपके चांस हैं, 57 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है गाइज, ठीक है? अगर मैं एससी की बात करूँ आपकी, एससी की जो भी स्कूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसमें आपके 45 से 50 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं आपके, 44 हैं जिनके या फिर 45 हैं, आपका सिलेक्शन इसमें श्योर हो सकता है गाइज, ठीक है? अगर मैं इसमें एसटी की बात करूँ, जो भी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अभी देखिए 44 से अगर 48 के बीच में जो भी एसटी स्टूडेंट हैं, जो भी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 44 या 43 भी मार्क्स हैं, इसमें आपके 100% चांस हो जाते हैं गाइस, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम होते हैं, स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, एससी एसटी को तो इसमें काफी मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। और जो भी आप जनरल देख रहे हो, इसमें जनरल की कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की पूरी आशंका जताई जा रही है। अब मुझे नहीं पता आपको कट ऑफ कैसी लगी गाइज, आप प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कट ऑफ कैसी लगी, ठीक है? अगर मैं आपकी इसमें एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, एक्स सर्विसमैन जो हमारे फौजी भाई होते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन, आपकी जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इसमें रहने वाली है 40 से 45 के बीच रहने वाली है ओनली, ठीक है? एक्स सर्विसमैन की गाइज ध्यान से सुनिएगा, एक्स सर्विसमैन की इसमें कट ऑफ आपकी 40 से 45 के बीच में रहने वाली है, इससे ऊपर आप लिखवा लीजिए, आपकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि यार जो भी आपका स्किल टेस्ट आगे अभी होना है, इसका एडमिट कार्ड अभी जारी कर दिए जाएंगे कुछ ही दिनों में, जब ये
कोरोना वायरस का जो थोड़ा चल रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अभी थोड़े बंद हो, सब कुछ बंद हो रखा है। अब ये सब सही होने के बाद इंडिया में आपके जो, मान लीजिए अप्रैल के महीने से आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें स्किल टेस्ट में काफी ऐसे होंगे जिनको ड्राइविंग नहीं करनी आते, काफी बच्चे बाहर हो जाएंगे, मुझे इसका इतना पक्का पता, क्योंकि ज्यादातर यार रिटन टेस्ट तो सभी पास कर गए, लेकिन इसमें काफी बच्चे बाहर निकल जाएंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार प्लीज अपनी तैयारी करें स्किल टेस्ट की। मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई इसमें सिलेक्शन हो जाए उन सबका, ठीक है। तो प्लीज यार अपनी तैयारी करें स्किल टेस्ट की, आपको ओनली क्वालिफाई करना है वो, ठीक है। आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको क्वालिफाई करना है ओनली, तो ध्यान दीजिएगा। तो कट ऑफ मैंने आपके लिए बता दिया, आप प्लीज मुझे अपना रिव्यू नीचे दीजिएगा, आपको कट ऑफ कैसी लगी, आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप प्लीज गाइज मुझे बताइएगा। और ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। और जिनको सब्सक्राइब नहीं करना आता मैं उनको बता देता हूँ सब्सक्राइब चैनल आपको कैसे करना है, ठीक है। तो गाइज देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपर्ट नॉलेज, गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, आपको ये रेड कलर का बटन ऑन कर लेना है, यहाँ से दबा देना है इसको, और अपना बेल बटन भी ऑन कर लेना है ऐसे, ठीक है। ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहे टाइम टाइम से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो गाइज इंडिया में, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और गाइज अपना ध्यान रखिए, घर वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।